ये हम सब लोग हिंदू धर्म के सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जो भूत की बात कर रहे हैं और डॉक्टर से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बीजेपी कहती है हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम है, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है, उद्धव जी बोलते हैं हम है विचारों के। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, अब इसी में आप समझ लीजिए। बीजेपी ने, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है, अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये ठीक नहीं है, ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना, ये अच्छी चीज नहीं है। राज्य कहता है कि हिंदुत्व तो हम शंकराचार्य जो है बयानबाजी को लेकर हमारा हिंदुत्व ही। भाई, शंकराचार्य की बात नहीं है, शंकराचार्य जी क्या कहेंगे, जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य, और इस बारे में कौन बोलेगा, राजनेता बोलेगा? इस बारे में तो धर्माचारी ही बोलेगा। उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात के शिकार हुए हैं और जिन्होंने विश्वासघात किया वो हिंदू नहीं हो सकते। अब बोले महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है और जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक यह आक्रोश रहेगा जनता में। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, निश्चित रूप से मोटी दक्षिणा शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी को मिल गई होगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान दिया है। कभी कभी अत्यधिक सम्मान और ज्यादा दक्षिणा पा करके लोग मर्यादा भूल जाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा और अगर वो स्थिति आएगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत की हत्या करके वो कांग्रेस से गठबंधन कर लिए थे, तब बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को बचाने के लिए, रक्षा के लिए, उस समय उनके चाहने वाले एकनाथ शिंदे जी अलग हुए और वो मुख्यमंत्री वहाँ हैं, लोकप्रिय हैं, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। और शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का जो बयान है यह पक्षपातपूर्ण बयान है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। वंदे मातरम।